बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड टू कैसे हैं बेटा जी? नेक्स्ट आप लोगों को जो ये सबक है वो है खेलें आँख मचोली। सबसे पहले इसका तलफ़ सीखिए। तलफ़ में है बेटा खोजी, झट, छूना, 29, 30। सबक स्टार्ट कर रही मैं। इतवार का दिन था, कासिम, उसका भाई असलम और बहन इरम घर में बैठे थे। अचानक कासिम कहने लगा, आओ मिलकर आँख मचोली खेलें। बहुत अच्छे, इरम ने कहा। हा हा, खूब मज़ा आएगा, असलम ने बुलंद आवाज़ से कहा। इरम कहने लगी, अच्छा सब छुप जाओ, मैं ढूंढूंगी। इरम खोजी बन गई, उसने आँखें बंद कर ली, बुलंद आवाज़ से गिनने लगी, 1, 2, 3। कासिम और असलम घर में इधर उधर छुपने लगे। 27, 28, 29, 30। इरम ने 30 तक गिन लिया तो आंखें खोल दीं। वो अपने भाइयों को ढूंढने लगी। अलमारी के पीछे देखा, कोई नहीं था। मेज के नीचे देखा, यहाँ भी कोई नहीं था। बावर्ची खाने में जाकर देखा, वहाँ भी कोई ना था। ना जाने कहाँ छुप गए सब, इरम सोचने लगी। इरम दादा के कमरे में गई, उसे पलंग के नीचे पांव नज़र आ गए। ये कासिम था। इरम ने कासिम को झट पकड़ लिया। मैंने तुम्हें छू लिया, अब तुम खोजी हो, इरम खुशी से चिल्लाई। कासिम पलंग के नीचे से खिसक कर बाहर आ गया। असलम भी सोफे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। शोर मच गया, कासिम खोजी, कासिम खोजी। अब कासिम खोजी बन गया। असलम और इरम छुप गए। यहाँ इरम आना चाहिए, यहाँ राबिया लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे बहुत देर तक आँख मचोली खेलते रहे। यूँ छुट्टी का दिन खूब मज़े से गुजरा। जी, ये आप लोगों का सबक था बेटा, खेलें आँख में चोली, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला सबक जो है वो मैं भी आप लोगों को दोबारा करवाऊँगी। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है और याद करना है। शुक्रिया।